सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एनर्जी। फॉर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, है ना। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा के बनाया जा सकता है। तो आज का डेट 13, 11, 10 है ना, 17, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, फाइंड मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। हम बोल दें मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मान लेते हैं कि इन सब केसेस में हम लोग को मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग निकालना है। तो क्या करेंगे, पहला केस लेते हैं, केस वन। द फर्स्ट केस इज सपोज कि हमारे पास जो बॉडी है वो स्प्रिंग से इस तरह से अटैच था। ये नॉर्मल नेचुरल लेंथ पे था। उस समय हम लोगों ने क्या किया, इसको रिलीज कर दिया, रिलीज्ड। तो हम लोग को बताना है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम एलोंगेशन। तो मैक्सिमम एलोंगेशन जब होगा तो बॉडी इस पूरे मोशन के दौरान क्या होगा कि पहले नीचे आएगा, उस समय ये एक्सेलरेट कर रहा होगा, वेलोसिटी इसका बढ़ेगा, और बढ़ के एक समय ऐसा आएगा जब इस पे स्प्रिंग का फोर्स और जो वेट है वो दोनों बैलेंस होगा और एकदम नेट फोर्स जीरो। लेकिन उस समय तक बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी हो गया रहेगा और उसके बाद वो थोड़ा और नीचे आएगा, तब तक आगे बढ़ेगा जब तक फिर से वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। तो यहाँ पे भी इसका वेलोसिटी जीरो है और यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो, इन दोनों ही केसेस में वेलोसिटी जीरो है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो अब हम लोग इसको अगर ये क्वेश्चन बनाना हो तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि इसी लेवल को पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेते हैं। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ कि जब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हैं, मान तो के वन प्लस यू वन इक्वल टू के टू प्लस यू टू। तो हमको मालूम है कि शुरुआत में भी काइनेटिक एनर्जी जीरो है और फाइनली भी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। लेकिन अब हम अगर देखें यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे दो तरह का पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ जीरो है क्योंकि हमने इस लेवल को पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना, और क्योंकि ये अभी नेचुरल लेंथ पे है तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। अब काइनेटिक एनर्जी यहाँ जीरो हो गया। दो चीज़ें बच गई इस टर्म में, एक है जब यहाँ पे वो पहुँचेगा तो उस समय क्या वो जीरो पोटेंशियल एनर्जी से एक्स नीचे होगा, मान लेते हैं मैक्सिमम एलोंगेशन एक्स है, तो उस समय का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस एम जी एक्स। और साथ ही साथ इसमें एक और टर्म आएगा, वो होगा इस लेवल पे जब वो पहुंचेगा तो उस समय का स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म है, एलएचएस पूरा जीरो है, तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल इम्प्लाई हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम जी एक्स, और क्योंकि एक्स जीरो नहीं है तो वी कैन कैंसिल दीज टू एंड वी विल गेट एक्स इक्वल टू 2mg/k। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया फॉर मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग इस केस में। इज इट क्लियर? यस। अच्छा, ये क्वेश्चन ही पूछ ये क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि अगर हमारा यहाँ पे स्प्रिंग लगा हो, ये हमारा पुली हो और पुली से हम इसको लटकाए, और ये ब्लॉक इस तरह से मास m हो और नेचुरल लेंथ पे इसको हम लोग क्या करें, रिलीज कर दें। तो बिल्कुल सेम तरीके से जो यहाँ पे फोर्स आएगा वो के एक्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी टेंशन जो होगा, जो यहाँ टेंशन होगा वही यहाँ टेंशन होगा। तो अगर स्प्रिंग में इलांगेशन एक्स हुआ तो इसमें भी ये भी इलांगेट करेगा, और यहाँ पे भी टेंशन है के एक्स और यहाँ भी टेंशन के एक्स, सेम सेम स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग, तो टेंशन सेम। तो इसीलिए इसका भी आंसर बिल्कुल सेम मेथड से सॉल्व करेंगे, तो एक्स इक्वल्स टू आएगा 2mg/k।
इज इट क्लियर? सो यस दीज आर टू एग्जाम टू इलस्ट्रेशंस फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग. अब हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जिसमें मैक्सिमम कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग होगा. तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड मैक्सिमम कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग. कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. In each of the following cases, we have to find the maximum compression in the spring. Let us take the first question. The first question we take it as this is the spring, and we have one plate attached here, and we have a body of mass m. जो कि इधर v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और स्प्रिंग कांस्टेंट k है. तो इस क्वेश्चन को बनाना है, हो ये रहा है कि ये मास जो है m मास वो इधर मूव करेगा, और ये जब मास मूव करेगा तो यहाँ जब आएगा ये तो अभी नेचुरल लेंथ पे है, फोर्स इस पे लगाएगा और उसके कारण ये स्लो होगा. स्लो होते 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 एक समय आएगा जब जीरो हो जाएगा, वही कॉम्प्रेशन जो होगा क्या होगा, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन. तो वही मैक्सिमम कॉम्प्रेशन हम लोग को कैलकुलेट करना है. तो वो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे. तो हम लोग क्या करते हैं, उस डायग्राम को एक बार फिर से बना लेते हैं. आज सॉल्यूशन डायग्राम में हम लोग का जो ब्लॉक है वो कुछ इस तरह का है. ये हमारा हो गया स्प्रिंग, ये प्लेट, ये बॉडी है जिसका मास एम है, जिसको हमने दिया है वी नॉट वेलोसिटी, और कॉम्प्रेस जब होगा तो मान लेते हैं ये कॉम्प्रेशन एक्स है. ये मैक्सिमम कॉम्प्रेशन हम अज्यूम कर रहे हैं. मान लेते हैं ये कॉम्प्रेशन एक्स है, तो ये कंडीशन है हम लोग के पास. अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं. कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से क्या होगा, हम लोग सबसे पहले बात करें, ये लेवल वन मान लें और ये लेवल टू होगा, ठीक है, ये वाला लेवल टू होगा. तो हम लोग का कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से पहले मालूम है कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, के वन प्लस यू वन इक्वल टू के टू प्लस यू टू. अब देखिए इसमें हाइट चेंज नहीं हो रहा है, तो हाइट अगर चेंज नहीं होगा तो हम लोग इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कंसिडर नहीं करेंगे. तो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी क्या, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर होगा प्लस ये जो पोटेंशियल एनर्जी है अभी हम देखें, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है तो वो तो ज़ीरो ही है, और स्प्रिंग भी नेचुरल लेंथ पे है तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है. अच्छा, जब मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होगा तो वो इस लेवल पे जब आएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, लेकिन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है. तो ये मैक्सिमम कॉम्प्रेशन, ये जो एक्स है यही एक मैक्सिमम कॉम्प्रेशन को डिनोट करता है. ये सारे टर्म जीरो है तो हम लोग हाफ से आपको कैंसिल कर सकते हैं, और हम लोग को एक्स निकालना है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर बाई के, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स इक्वल्स टू वी नॉट रूट अंडर एम बाई के. ये हमारा सॉल्यूशन हो गया. इज इट क्लियर सर? दो बार जीरो लिखने का मतलब है, दो बार जीरो हम लोग इसलिए लिख रहे हैं कि हमारे पास दो तरह का पोटेंशियल एनर्जी है. ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक ही पॉइंट पे दो पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, एक है जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिख रहे हैं और एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के लिए. हर बार हम लोग नहीं होने पे जीरो लिखते हैं, शुरुआत में कम से कम क्वेश्चन बनाते समय हम लोग जीरो लिखें ताकि कभी हम लोग मिस नहीं कर जाए, है ना. कई बार क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी होते हुए भी लोग नहीं लिखता है, क्यों, आदत हो जाता है नहीं लिखने का. तो हम लोग ये आदत बना के चलें कि नहीं भी है तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो लिखें. इज इट क्लियर? अच्छा, इसी मैक्सिमम कॉम्प्रेशन के दूसरे केस में हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि जिसमें हमारे पास ये स्प्रिंग हो, बिल्कुल वैसा ही स्प्रिंग. इस बार बॉडी को हम लोग वेलोसिटी देने की जगह, यहाँ पे वो प्लेट है जो बॉडी को रोकेगा, और वेलोसिटी देने की जगह हम लोग कुछ इस तरह का इंक्लाइन प्लेन बना देते हैं और यहाँ से बॉडी को रिलीज कर देते हैं. ये मास एम है और ये हाइट एच है, और सेम क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें भी मैक्सिमम कॉम्प्रेशन क्या होगा, बताइए.
तो इस बार हम लोग देखें कि हाइट भी इन्वॉल्व हो गया, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं, इन्वॉल्व हो जाएगा, यहाँ पर जीरो नहीं होगा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगा, किसी के जीरो किसी एक वाले टर्म पे जीरो हो भी सकता है, मतलब जब अच्छा। घुमा लेते हैं यहाँ पे आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं कि इस लेवल को ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेते हैं। तो जब वो यहाँ पर है तो क्या काइनेटिक एनर्जी जीरो है? हम लोग यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की लगाएंगे तो के वन प्लस यू वन इक्वल टू के टू प्लस यू टू। अगर हम ये बात करें कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो क्योंकि वहाँ रिलीज किया गया है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है। अच्छा, वहाँ पे हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ अगर हम जीरो मानेंगे तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एम जी एच प्लस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा जीरो, क्योंकि अभी तो ये नेचुरल लेंथ पे है, इक्वल टू के टू। अब काइनेटिक एनर्जी जब यहाँ पे वो पहुँचेगा तो क्या मैक्सिमम कॉम्प्रेशन में फिर से काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा? तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि वो इस लेवल पे आ जाएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, लेकिन वो स्प्रिंग एक्स कॉम्प्रेस हो चुका रहेगा, और यही एक्स मान लेते हैं मैक्सिमम कॉम्प्रेशन है, तो ये हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टू एम जी एच बाई के, और एक्स का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर टू एम जी एच आई के। ये हमारा एक्स का वैल्यू हो गया। दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमम कॉम्प्रेशन। क्लियर है एकदम? तो ये कुछ इलस्ट्रेशन हमने देखा जिसमें हम लोग को निकालना था मैक्सिमम कॉम्प्रेशन। एक और क्वेश्चन बना के देखते हैं जिसमें हम लोग बॉडी को ऊपर से गिराते हैं। इसमें क्या होता है, ये थर्ड केस, ये भी मैक्सिमम कॉम्प्रेशन का ही क्वेश्चन है। इस मैक्सिमम कॉम्प्रेशन के क्वेश्चन में थर्ड केस में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, यहाँ एक प्लेट रखा हुआ है, सॉरी ये स्प्रिंग है, यहाँ प्लेट रखा हुआ है, और इस बॉडी को हम लोग इस प्लेट से एच हाइट ऊपर से ड्रॉप करते हैं। तो दिया हुआ है कि मैक्सिमम कॉम्प्रेशन एक्स हो रहा है, दिस एक्स इज अ गिवन वैल्यू। तो हम लोग को बताना है कि व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, के कितना होगा, यही हमसे पूछा गया है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगेन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सबसे आसान उपाय ये, हम किसी भी लेवल को पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान सकते हैं, तो हम लोग सबसे आसानी से सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, इसी लेवल को पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेते हैं। अगर उस लेवल को पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेंगे तो यहाँ पे अगर फिर से हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, तो बाई यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वी कैन राइट के वन प्लस यू वन इक्वल टू के टू प्लस यू टू। के वन क्या है, यहाँ पे जब रिलीज किया गया है, ड्रॉप किया गया है, तो काइनेटिक जीरो एनर्जी जीरो है। यहीं पे हम लोगों ने स्प्रिंग पोटेंशियल, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना है, और क्योंकि स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ पे होगा तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी तो कुछ वैल्यू यहाँ पे नहीं होगा इसका, यहाँ पे जब मैक्सिमम कॉम्प्रेशन पे है, क्यों नहीं होगा? मैक्सिमम कॉम्प्रेशन पे आता है तो वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो जीरो हो जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ भी जीरो, सब टर्म जीरो ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जब आएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं नहीं होगा, होगा कितना हो जाएगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगा माइनस एम जी एच प्लस एक्स। क्यों? ये जहां पे थोड़ा हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना है उससे एच प्लस एच प्लस एक्स हाइट नीचे आ गया, इसलिए हम लोगों ने उसको लिखा है माइनस एम जी एच प्लस एक्स। ये माइनस है, ब्रैकेट में रख दिए, और साथ ही में इसमें आरएचएस में एक और टर्म ऐड होगा, वो होगा मैक्सिमम कॉम्प्रेशन अगर एक्स है तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स है, लेकिन हमको एक्स निकालना ही नहीं है, हमको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि के कितना है। ठीक है, तो अगर के पूछ दिया गया है तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच प्लस एक्स, है ना, ये माइनस उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइन एम जी एच प्लस एक्स। अब हम लोग के निकालेंगे तो के का वैल्यू आ जाएगा टू एम जी एच प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वेयर, है ना, ये हमारा के का वैल्यू हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। इज इट क्लियर? यस सर। तो इतना क्वेश्चन, इतना इलस्ट्रेशन हम लोगों ने लिया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन्वॉल्विंग बोथ स्प्रिंग एंड ग्रेविटेशन। स्प्रिंग भी है और ग्रेविटेशन भी है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कोलिशन।